चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। मैं संतोष गुप्ता लेकर आई हूं आपके लिए आपका अपना चैनल मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम, जिसमें हम बीएससी, एमएससी, सीएसआईआर, नेट, गेट, इसके अलावा अदर कंपटीशन लेवल की तैयारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक ऐप है मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम, जिसे आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप पर आपकी लाइव क्लास लगाई जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। हमने स्टार्ट किया हुआ था ट्रिपल इंटीग्रल, जिसका एक लेक्चर हम कर चुके हैं। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, जैसा कि आपको पता है, अगर आप इस चैनल के साथ बने रहना चाहते हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ट्रिपल इंटीग्रल। लास्ट लेक्चर में, ट्रिपल इंटीग्रल के फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्टिंग की थी कि इंटीग्रल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ट्रिपल इंटीग्रल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है अगर हमें लिमिट गिवन हो। आज हम ट्रिपल इंटीग्रल के ही कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगर हमें लिमिट गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। का फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ एक्स के डीएक्स डीवाई डीजेड, यानी हमें डीए यहां पर ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है किसका, एक्स स्क्वायर का। यहां पर वी का मीन्स होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके लिए यूज होती है, मैंने आपको डबल इंटीग्रल की स्टार्टिंग में बताया था कि सिंगल इंटीग्रेशन जो होता है वो लेंथ फाइंड करने के लिए होता है, डबल इंटीग्रेशन एरिया फाइंड करने के लिए होता है, और ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम फाइंड करने के लिए होता है। तो यहां पर हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, इट मीन्स वॉल्यूम फाइंड करनी है। अब एरिया या वॉल्यूम अगर हम फाइंड करते हैं तो कोई भी एक रीजन होता है जिसके लिए हमें एरिया या वॉल्यूम फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पर भी हमें रीजन गिवन है, वेयर वी इज द रीजन बाउंडेड बाय द प्लेन। जहाँ पर वी एक रीजन है यानी जिसकी हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, वो एक रीजन है बाउंडेड बाय द प्लेन जो इस प्लेन से मिलकर बनता है। एक्स इक्वल जीरो, वाई इक्वल जीरो, जेड इक्वल जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए। यहाँ पर ए कोई भी पॉजिटिव नंबर है। अब यहाँ पर देखो हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है। लास्ट लेक्चर में भी हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन किया था, लेकिन हमें यहाँ पर लिमिट गिवन थी 1 से 4, x से y एंड सो ऑन, दिस टाइप की भी हमें लिमिट हमें गिवन थी। यहाँ पर लिमिट गिवन नहीं है, लेकिन हमें रीजन दे दिया कि इस रीजन के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है, तो इस रीजन से हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे, देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो लिमिट किस तरह से फाइंड की जाती है, इसके अलग अलग, जितनी आप वीडियो चेक करोगे हर वीडियो में अलग अलग मेथड गिवन होंगे। मेरा मेथड क्या है, यानी मैंने जो आपको डबल इंटीग्रेशन में भी मेथड करवाया था, अगर हमारे पास यहाँ पर dx dy dz है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल y इक्वल z इक्वल, यानी लिमिट को इंटीग्रेशन में जो लिमिट लगाते हैं उस लिमिट को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि अगर हमारे पास सिक्वेंस dx dy dz का है तो हम x इक्वल y इक्वल z इक्वल के लिए लिमिट लगाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है, आप किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हो इसे। पहले लिमिट y के लिए हो सकती है, फिर z के लिए हो सकती है, फिर x के लिए हो सकती है, या कोई और सीक्वेंस भी पॉसिबल है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि लिमिट हमें हमेशा ही इसी के अकॉर्डिंग लगानी है, लेकिन हम इस तरह से करेंगे। मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगी उनमें लिमिट इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करवाऊंगी, ताकि एक तो कैलकुलेशन में आपकी गलती ना हो, दूसरा हमें लिमिट के बारे में सोचना ना पड़े कि हम यहाँ पर x की लिमिट लगाएं, y की लगाएं या z की लगाएं। अगर हमारे पास ये सीक्वेंस मान लो dy dz dx होता तो फर्स्ट लिमिट को, यानी ये फर्स्ट लिमिट है, ये सेकंड इंटीग्रेशन के लिए, ये थर्ड के लिए, तो फर्स्ट लिमिट हम dy के लिए लगाएंगे, सेकंड dz के लिए, थर्ड dx के लिए। ओके, मैं फिर से कह रही हूँ ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आप लिमिट को इंटरचेंज भी करते हैं, एक्स वाई जेड की जगह वाई जेड एक्स भी करें तो भी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें इस लिमिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे हम पुट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से लिमिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं सिंपल से मेथड अप्लाई करती हूँ हर क्वेश्चन में, चाहे वो डबल इंटीग्रेशन के है, चाहे वो ट्रिपल इंटीग्रेशन के है, कि लिमिट को एक सिक्वेंस के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करेंगे। डी एक्स डी वाई डी जेड, इट मीन्स एक्स की लिमिट हम यहाँ पर पुट करेंगे, y की लिमिट हम यहाँ पर पुट करेंगे, z की लिमिट हम यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया है कि जब भी हम लिमिट पुट करते हैं, अभी मैंने आपको क्या बताया, x y z,
तो जब भी हम लिमिट पुट करते हैं तो जेड को हम एक्स और वाई पर डिपेंड मानेंगे, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वाई से पहले हमारे पास एक्स की लिमिट है तो वाई को हम एक्स पर डिपेंड मानेंगे और एक्स को हम कॉन्स्टेंट देंगे। ओके, यहाँ पर एक्स वाई जेड के लिए लिमिट है तो जेड का इंटीग्रेशन पहले होगा, फिर वाई का, फिर एक्स का। ओके, तो जेड का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो वो एक्स और वाई पर डिपेंड हो सकता है, वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो एक्स पर डिपेंड हो सकता है, लेकिन एक्स के इंटीग्रेशन में जो लिमिट होगी वो कॉन्स्टेंट होगी। ओके, क्लियर। बाकी मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी भी तरह से कर सकते हो, जरूरी है कि पहले एक्स का इंटीग्रेशन ही करो, एक्स के रिस्पेक्ट में ही करो, या पहले जेड के रिस्पेक्ट में ही करो। अब यहाँ देखो, हमने यहाँ पर क्या किया, जेड एक्स और वाई पर डिपेंड कर सकते हैं। ओके, हम जिस मेथड को करें उस मेथड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो जेड किसके इक्वल होगा, ए माइनस एक्स माइनस वाई के इक्वल। ओके, जेड की लोअर लिमिट हमें गिवन है एक्स वाई जेड, तीनों की लोअर लिमिट हमें गिवन है जीरो है, जेड की अपर लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स माइनस वाई। अब वाई की लिमिट के लिए क्या करेंगे हम, वाई को एक्स पर डिपेंड, लेकिन देखो हम यहाँ पर सॉल्यूशन क्या करेंगे, पहले जेड के लिए इंटीग्रेशन कर चुके हैं जब हम वाई की लिमिट लगाएंगे, तो अगर हम जेड के लिए इंटीग्रेशन कर चुके हैं तो हम इस इक्वेशन से जेड को हटा देंगे, छोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या देगी, ए माइनस एक्स, तो वाई इज इक्वल टू जीरो टू ए माइनस एक्स। जब हम एक्स की लिमिट लगाएंगे तो हमें पता है कि हमने जेड के लिए और वाई के लिए कैलकुलेशन कर ली है, यानी जेड और वाई के लिए इंटीग्रेशन कर चुके हैं, देन हम एक्स की लिमिट में से वाई और जेड को दोनों को छोड़ देंगे, तो ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी एक्स इक्वल टू ए में, तो एक्स की लिमिट हमारे पास क्या हुई, जीरो टू ए। ओके, आप इसे चेंज भी कर सकते हो, मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर हम इसे वाई, इसे जेड, इसे एक्स रखें तो पहले इंटीग्रेशन एक्स के लिए हो जाएगा, एक्स की लिमिट को हम जेड और वाई पर डिपेंड मान सकते हैं, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या देगी, ए माइनस वाई माइनस जेड। अगर हम इस लिमिट को जेड रख रहे हैं तो ये वाई पर डिपेंड करेगी, वाई पर डिपेंड करने का भी एक्स कैलकुलेट हो चुका है, तो एक्स को हम छोड़ देंगे, तो जेड की वैल्यू हमारे पास क्या देगी, ए माइनस वाई, और वाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो से ए, तो भी आंसर आपका सेम ही होगा। ओके, अब लिमिट हमें पता चल चुकी है, इंटीग्रेशन करना है, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले इंटीग्रेशन हम किसके लिए करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में, एक्स में कोई चेंज नहीं, वाई में कोई चेंज, एक्स स्क्वायर, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे हम, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे हम, जेड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर डी एक्स डी वाई। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, जीरो से ए, जीरो से ए माइनस एक्स, जब हम एक्स स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स एक्स स्क्वायर जेड, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आया, एक्स स्क्वायर जेड लिमिट जीरो से ए माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई। जेड की अपर वैल्यू पुट करेंगे, लोअर वैल्यू पुट, यानी जेड के लिए लिमिट पुट की, तो जीरो से ए, जीरो से ए माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर जेड की जगह अपर लिमिट और माइनस वाई जेड की जगह लोअर लिमिट, लोअर लिमिट हमारे पास जीरो है, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन जीरो हो गया। अगेन जीरो से ए, जीरो से ए माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई। ओके, अब देखो ये लिमिट हमारे पास एक्स के लिए थी, ये वाई के लिए थी, तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन किसके लिए होगा बता सकते हो, यस वाई के रिस्पेक्ट में, यस जीरो से ए माइनस एक्स, ये वाई की लिमिट है हमारे पास, इट मीन्स नेक्स्ट इंटीग्रेशन हम किसके लिए करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में, ए माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई और डी एक्स। जीरो से ए लिमिट, जीरो से ए माइनस एक्स लिमिट, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए देखो एक्स स्क्वायर और ए माइनस एक्स, ये विदाउट वाई की वैल्यू है, माइनस में एक्स स्क्वायर वाई, तो हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया, किस तरह से, जिसमें वाई नहीं है उसे अलग से कर लिया, जिसमें वाई है उसे अलग से कर लिया, डी वाई एंड डी एक्स। अब इंटीग्रेशन अगर हम करें तो एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, ये कॉन्स्टेंट है यानी वाई पर डिपेंड नहीं करता, तो इसका इंटीग्रेशन वाई माइनस में एक्स स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन टू और लिमिट जीरो से ए माइनस एक्स डी एक्स। लिमिट यानी जहां पर y है वहां पर a माइनस एक्स रखा, तो यहाँ क्या
जाएगा एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स, वाई की जगह अगर ए माइनस एक्स रखे तो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में टू। लोअर लिमिट जीरो है तो जीरो पुट करने पे सॉल्यूशन जीरो आ जाएगा डीएक्स। दोनों हमारे पास दो स्टेप आ रहे हैं, दोनों स्टेप देखो सिमिलर है, वन एंड हाफ एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो वन माइनस हाफ हाफ रह जाएगा डीएक्स। हाफ कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाला जीरो से ए, ब्रैकेट ओपन किया तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स क्यूब और प्लस में एक्स फोर डीएक्स। अगेन इंटीग्रेशन कर दें, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो ए स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस टू ए एक्स फोर अपॉन फोर प्लस एक्स फाइव अपॉन फाइव, लिमिट जीरो टू ए। अगेन वन बाय टू, यहाँ पर x है वहां पर अपर लिमिट a पुट की तो a 5 अपॉन 3 माइनस भी ये 2 2 जाए 4, x की जगह a रखा तो a 5 अपॉन 2 प्लस में a 5 अपॉन 5, लोअर लिमिट 0 तो सॉल्यूशन 0 होगा। एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा है 3 2 5 यानी 30 और बाहर 2 है तो 60, 30 एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या आएगा 10 a 5 माइनस में 15 a 5 प्लस में 6 a 5, 10 प्लस 6 16, 16 माइनस 15 1 a 5 अपॉन 16, जो कि गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ओके आगे समझे, हमने किया क्या यहाँ पर, हमें सिर्फ लिमिट के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद अगर आप इस तरह से लिमिट को एडजस्ट करते हो तो इंटीग्रेशन आपको पता होगा, पहले हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट। ओके क्लियर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका अगर कोई भी डाउट है तो वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट, अगेन हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वेयर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज अ सिलेंडर, जहां पर वी किसके रीजन को डिनोट करते हैं, सिलेंडर के रीजन को, बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व। अब सिलेंडर है तो वो किस किन कर्व से मिलकर बना है वो हमें गिवन है, z equal 0, z equal 1 and x square plus y square is equal to 4. It means हमें यहाँ से limit calculate करनी है, integration कर देना है, solution आ जाएगा। अब हमें करना क्या question में, triple integration of z dx dy dz। अब आप बता सकते हो ना कि हम limit किस तरह से put करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर limit होगी हमारे पास x की, यहाँ limit होगी y की और यहाँ पर limit होगी हमारे पास z की। z के लिए देखो हमें गिवन है z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1, यानी z की लिमिट हमें डायरेक्ट गिवन है 0 से 1, नो डाउट। x और y की लिमिट, अगर हम यहाँ पर y की लिमिट पुट करें तो y x पर डिपेंड होगा, अगर हम इसे इस तरह से लिखें यहाँ y की लिमिट यहाँ x की लिमिट तो x को y पर डिपेंडेंट बनाएंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन को इस तरह से करूंगी यहाँ फर्स्ट x सेकेंड y के लिए, तो y x पर डिपेंड करेगा, कहां से कैलकुलेट करेंगे जो हमें इक्वेशन गिवन है, इट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से, तो y स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 4 माइनस x स्क्वायर, y किसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस रूट 4 माइनस x स्क्वायर के, तो y की लिमिट हमारे पास क्या होगी, माइनस लोअर के लिए प्लस अपर के लिए, तो माइनस रूट 4 माइनस x स्क्वायर से प्लस 4 माइनस x स्क्वायर इन रूट। ओके इसका मीन्स क्या होगा कि हम जब y का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो x पे डिपेंड वैल्यू आ जाएगी, तो x की जो लिमिट हो, x की जो लिमिट होगी उसमें y नहीं होगा, y का इंटीग्रेशन कर चुके हैं z का इंटीग्रेशन, तो x की लिमिट के लिए इस इक्वेशन में से हम y को छोड़ देंगे, अगर हम इस इक्वेशन में से y को छोड़ दें तो हमारे पास क्या आएगा x square is equal to 4, इट मींस x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी प्लस माइनस 2, तो x की लिमिट क्या होगी माइनस 2 से प्लस 2। क्लियर हुआ ना लिमिट का फंडा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है यानी इंटीग्रेशन करना है, x की लिमिट माइनस टू से प्लस टू, y की लिमिट माइनस फोर माइनस एक्स के से प्लस फोर माइनस एक्स के इन रूट। इंटीग्रेशन सबसे पहले हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे, z डी z dx dy, z का इंटीग्रेशन क्या होगा, z का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में ही करना है तो क्या होगा z स्क्वायर अपॉन 2, ये लिमिट सेम z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से 1 d
dx dy, z की लिमिट अगर हमने 1 पुट की तो सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, हाफ 1/2, और अगर हम 0 पुट करें तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, 0 dx dy, और y की लिमिट में नो चेंज, 4 माइनस x स्क्वायर माइनस से प्लस, हाफ माइनस 0 हाफ, जिसे हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, तो हाफ को हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया, लिमिट माइनस 4 माइनस x स्क्वायर इन रूट 2 प्लस 4 माइनस x स्क्वायर इन रूट dx dy। अब हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ये x की लिमिट है, ये y की लिमिट है, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में, यस y के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन कर दिया, dx लिमिट माइनस 4 माइनस x के से प्लस 4 माइनस x के, dy का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, y लिमिट माइनस 4 माइनस x के से प्लस 4 माइनस x के, dx y में हम अपर लिमिट पुट करेंगे लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पॉजिटिव रूट 4 माइनस x के, माइनस में लोअर लिमिट माइनस में 4 माइनस x के इन रूट dx, दोनों वैल्यू सेम है, इट मींस हमारे पास ये कह देगा ट्वाइस ऑफ रूट 4 माइनस x के dx, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो सॉल्यूशन क्या बचा, माइनस 2 से प्लस 2 लिमिट रूट 4 माइनस x के dx, ओके। कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट तो नहीं हुई ना, इंटीग्रेशन करना था, हमने लिमिट पुट की है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया यहाँ पर। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, रूट में वैल्यू है, इसके लिए भी मैंने आपको एक सिंपल सा एक मेथड मैंने बताया हुआ है आपको, वो क्या है कि रूट को हम यहाँ से हटा देंगे, किस तरह से हटाएंगे, अब यहाँ पर 4 माइनस x स्क्वायर है, तो x को हम इस तरह से मान लेंगे कि ये रूट खत्म हो जाए, यहाँ 4 है ये x स्क्वायर है, तो x को 2 माने तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 तो कॉमन आ गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या आना चाहिए, या तो साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर, तो हमने x को क्या मान लिया, 2 साइन थीटा, जब हम इस वैल्यू को इस रूट में पुट करेंगे तो रूट कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, dx क्या होगा हमारे पास, 2 cos थीटा d थीटा, ओके। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेट x इजिकल टू 2 sin थीटा एंड dx इजिकल टू 2 cos थीटा d थीटा, लेकिन उससे पहले एक और स्टेप हम करेंगे, हमारे पास फंक्शन क्या है यहाँ पर, fx इजिकल टू 4 माइनस x के इन रूट, ठीक। अब fx में अगर x की जगह हम माइनस x रखें तो कोई चेंज होगा या नहीं होगा, नो चेंज, इट मीन्स f माइनस x की वैल्यू fx के इक्वल ही आएगी, अगर ऐसा है f माइनस x एफ एक्स के इक्वल है, तो लास्ट वीडियो में हमने किया था ना, ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा, और अगर कोई फंक्शन इवन है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, एक्स स्क्वायर नहीं था सॉरी जेड था यहाँ पर, डी एक्स डी वाई डी जेड, इसका सॉल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 2 से प्लस 2 लिमिट है, फंक्शन इवन है, तो 2 का मल्टीप्लाई लिमिट 0 से 2 रूट 4 माइनस x स्क्वायर dx, ओके। हमने क्या माना था x को, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, लेट x इक्वल टू 2 sin थीटा 2 cos थीटा भी आप ले सकते हो, dx इक्वल टू 2 cos थीटा d थीटा, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दे तो 2 4 माइनस x स्क्वायर 4 sin स्क्वायर थीटा इन रूट dx की जगह है 2 cos थीटा d थीटा, लेकिन लिमिट में भी चेंज होगा ना, ये लिमिट x के लिए थी, अब हमें लिमिट किसके लिए रखनी है, थीटा के लिए। अब देखो x की वैल्यू अगर 0 है तो 2 sin थीटा 0 के इक्वल होगा, यानी sin थीटा 0 के इक्वल होगा, sin में 0 किसके लिए आता है, 0 के लिए, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2, इट मींस sin थीटा इज इक्वल टू 1, साइन में 1 किसके लिए होता है, पाई बाई 2 में, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2 थीटा के लिए। अगेन देखो ये 2 4 लिमिट 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर 4 रूट में कॉमन आ रहा है, यानी 2 कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर इन रूट यानी कोस स्क्वायर इन रूट कोस थीटा, ये 2 हमने मल्टीपल कर लिया, ये कोस फिर से आ रहा है तो कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा,
फोर टू जा एट, तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन होगा? यहाँ पर एट और जीरो से पाई बाई टू क्या सॉल्यूशन आया हमारे पास? कोस के थीटा डी थीटा। अगर हम यहाँ पर एट जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर जीरो थीटा को मल्टीप्लाई कर ले तो कोई चेंज होगा? क्योंकि साइन की पावर जीरो वन के इक्वल होता है। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि हम इसे बीटा गामा फंक्शन से सॉल्व करने वाले हैं। बीटा गामा फंक्शन क्या होता है ये भी हम कर चुके हैं। बीटा गामा फंक्शन में हमारे पास क्या था? लिमिट जीरो से पाई बाई टू विद इंटीग्रेशन साइन की पावर एम थीटा कोस की पावर एन थीटा डी थीटा। बीटा गामा फंक्शन इंटीग्रेशन को सिंपल वे से सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं, अगर आपने इस चैप्टर को नहीं किया तो आप मेरी बीटा गामा फंक्शन की प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हो। ये फॉर्मूला किसके इक्वल था? गामा ऑफ एम प्लस वन बाय टू गामा ऑफ एन प्लस वन बाय टू अपॉन में टू गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस टू बाय टू। देखो इसमें हमें कोई इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा, हमें सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हमारे पास? साइन की पावर जीरो इट मीन्स एम की वैल्यू हमारे पास जीरो है, कोस की पावर टू एन की वैल्यू टू है। देन हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? डी एक्स डी वाई डी जेड का। गामा ऑफ एट बाहर है, गामा ऑफ एम प्लस वन बाय टू एम की जगह जीरो पुट किया तो जीरो प्लस वन बाय टू। गामा ऑफ एन प्लस वन बाय टू टू प्लस वन थ्री बाय टू अपॉन में टू गामा ऑफ एम प्लस एन प्लस टू एम जीरो प्लस टू प्लस टू फोर बाय टू। ओके ये टू फोर जा एट कैंसिल हो रहा है, फोर गामा ऑफ हाफ का मिस होता है रूट पाई, थ्री बाय टू गामा को वन बाय टू गामा वन बाय टू सॉल्व कर सकते हैं। गामा ऑफ फोर बाय टू का मिस गामा ऑफ टू, अगेन ये टू से टू कैंसिल हो रहा है, टू रूट पाई, अगेन गामा ऑफ हाफ की वैल्यू रूट पाई, गामा ऑफ टू की वैल्यू वन के इक्वल, टू रूट पाई टू रूट पाई इट मीन्स टू पाई, ओके, जो कि हमारे पास गिवन क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ओके आगे समझ, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक और क्वेश्चन के साथ।